हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 8 वर्क पावर एनर्जी की एक्सरसाइज का। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास एम एंड लेंथ एल ओवर हैंग्स अ टेबल विथ इट्स टू थर्ड पार्ट ऑन द टेबल। इसका मतलब टू थर्ड पार्ट टेबल पे है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है जो कि टेबल के ऊपर लाई कर रही है वो हो जाएगी 12/3, और ये जो हैंगिंग पार्ट है वो हो जाएगा L/3। अब चूंकि मास सॉरी जो जो चेन है वो यूनिफॉर्म है, तो मास का रेशियो और लेंथ का रेशियो सेम आएगा। तो ऊपर वाला जो पार्ट जो टेबल पे है उसका मास हो जाएगा 2m/3, और ये जो हैंगिंग पार्ट है उसका जो मास है वो m/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द वर्क टू बी डन बाय अ पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। अब हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल, जैसे ये जो हिस्सा लटक रहा है, ठीक है, उसको अगर टेबल पे वापस रख दिया जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो, सपोज करो कि चेन को ऊपर कर देने के बाद, इस हैंगिंग पार्ट को ऊपर कर देने के बाद सिचुएशन क्या रहेगी। सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी कि ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वो ऐसे कुछ यहाँ पर आ जाएगा। दिखाने के लिए मैं उसको ऊपर बना दे रहा हूँ, पर वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। ठीक है, तो अब हुआ क्या है ये समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पर फ्रिक्शन विक्शन का कोई रोल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है, तो अपन सब कुछ फ्रिक्शनलेस मान रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है कि कुछ लोग इसको ऐसे बताएंगे कि भाई चेन को इस तरीके से ऊपर उठाएगा कि इस वाले पार्ट को यहाँ पर ले आया गया। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई चेन को खींच के, इस तरीके से खींच के लाया गया, मतलब इस चेन के लेफ्ट एंड को खींचा गया लेफ्ट साइड में ताकि पूरी की पूरी चेन ऊपर आ जाए। ठीक है, तो पूरी की पूरी चेन अगर ऊपर आ जाएगी, तो मैं उसको अगर वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टेबल का सरफेस है मान लो, ठीक है, और पूरी की पूरी चेन ऊपर आ गई, तो वो ऐसा दिखाई देगा। हाँ ठीक है, वो चेन अब ऐसी दिखाई देगी, और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है एल लेंथ का, वो पूरा का पूरा टेबल के ऊपर आ गया। ठीक है, ये एल लेंथ पूरी की पूरी ऊपर आ गई। ठीक है, तो चाहे वो फर्स्ट वाला तरीका जिसमें मैं चेन को ऐसे लाया था, चाहे वो ये वाला तरीका हो, वर्क डन सेम ही आएगा। ठीक है, क्यों सेम आएगा, मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू डेल्टा के। अच्छा, अब ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि चेन को बहुत स्पीडली जो है ऊपर लाया गया है, पार्ट को, उस हैंगिंग पार्ट को ऊपर पुट कर दिया गया है। इसका मतलब इनिशियली भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है और फाइनली भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। इसका मतलब ये ज़ीरो आ जाएगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बिकम ज़ीरो। नाउ, वर्क डन बाय ऑल में क्या क्या आएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विच इज़ पुलिंग द चेन बैक ऑन द टेबल। ठीक है, वो इंसान या वो एक्सटर्नल फोर्स जो कि चेन को वापस ऊपर रख रहा है टेबल में, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी विड बी इक्वल टू वॉट ज़ीरो। और तो कोई वर्क करना है, फ्रिक्शन विक्शन को यहाँ पर अपन नहीं लेंगे क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया है, तो फ्रिक्शन को अपन ज़ीरो मानेंगे। तो फ्रिक्शन ज़ीरो है तो फ्रिक्शन का वर्क भी ज़ीरो आएगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की जहाँ तक बात है, मान लो भाई चेन को ऐसे खींचा जा रहा है, ठीक है, तो चेन का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ होगा, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है भाई, वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है ना भाई, जो भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है अलग अलग पार्ट पे, वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो वाई जो तो नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्क है वो तो वैसे भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो कौन कौन वर्क करेगा इस चेन पे, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वो एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटी। ठीक है, अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को मैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन में से डब्ल्यू जी को मैं राइट साइड ले गया। ठीक है, अब बात यह है कि वॉट इज दी वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, जैसे ही मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लिया, उसमें एक माइनस साइन लगाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में को ये निकालना है कि वॉट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल
फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ग्रेविटी का जो रेफरेंस है, यानी कि जहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल लेवल जहाँ पर ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं, उस लेवल को मैं लेता हूँ ये, सॉरी ये वाला लेवल, यानी कि हैंगिंग पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच। इसका मतलब ये जो ये वाली जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई L/6। ठीक है, इस लाइन पे मैं ग्रेविटी के पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेता हूँ, यानी कि ये रेफरेंस लेवल हो गया। ठीक है, अब सोचो ये जो हैंगिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ध्यान रखना मैं हैंगिंग पार्ट के सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हैंगिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, अब हैंगिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है भाई, अब ये टोटल लेंथ कितनी है? L/3 है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा? L/6 पर रहेगा, यानी कि बीचों बीच रहेगा। तो जब सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लेवल पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली इतने पार्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? जीरो। ठीक है, इनिशियली जो हैंगिंग पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? जीरो है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है जो कि टेबल के ऊपर लाई कर रहा है, वो इस रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है? L/6 ऊपर है। तो इतने पार्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी टोटल मास 2m/3 इंटू जी इंटू हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल विच इज H/6। ठीक है ना भाई, अपन किसी भी एक बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे लिखते हैं? MgH। और ये पूरी की पूरी जो चेन है, जिसका जो 2L/3 लेंथ की जो चेन है वो L/6 ऊपर लाई कर रही है रेफरेंस लेवल के, तो MgH लिखा हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये हो गई मेरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी ऑफ दिस पार्ट ऑफ द रॉड। इतने पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो U इनिशियल क्या हो गया? इतना प्लस इतना है ना भाई, तो ये हो गया 2m/3 जी जी इंटू L/6 प्लस जीरो। इसका मतलब ये हो गया, ये 2 से 3, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, तो क्या बचाइए? MgL/9। तो ये हो गई अपनी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब फाइनली इस चीज़ को याद रखना भाई, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपन क्या निकाले हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अपन क्या निकालने जा अपन को क्या निकालना है? बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब फाइनली ये जो रॉड है वो टेबल के ऊपर आ जाएगी, तो मैं टेबल को फिर से, ये टेबल का ऊपर वाला जो सरफेस है उसको फिर से ड्रॉ किया। ठीक है, चेन को मैं एक बार फिर से बना देता हूँ यहाँ पर। मान लेते हैं कि चेन पूरी की पूरी ऊपर आ गई ऐसे। ठीक है, ये चेन पूरी की पूरी ऊपर आ गई, तो अब इस रेफरेंस लेवल से ये जो अपना रेफरेंस लेवल है ये, ठीक है, उस रेफरेंस लेवल से पूरी की पूरी चेन की जो हाइट है वो L/6 हो गई। तो अब फाइनली इस रॉड की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं यू फाइनल बोल सकता हूँ, वो कितना हो जाएगी? टोटल मास ऑफ द रॉड इंटू जी इंटू हाइट विच इज L/6। ठीक है ना भाई, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड इतना हो गया और इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड इतना हो गया। ठीक है भाई, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Δu इज इक्वल टू UF-UI विच विल बी इक्वल टू MgL/6 - MgL/9। ठीक है, अब इसको 9 - 6 3 MgL अपॉन 6 × 9 हो जाएगा, ये 3 × 6 मतलब 6 से 2, 6 को 3 से काट दिए तो 2 बच गया, और नीचे क्या बच जाएगा? MgL अपॉन 2 × 9 विच इज MgL अपॉन 18। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया अपना MgL/18 विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, तो व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन? MgL/18, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ये सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, और अगर किसी को सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता, और एक्सपेक्टेड भी है कि अगर आप वर्क पावर एनर्जी सॉल्व कर रहे हो तो सेंटर ऑफ मास शायद ना पता हो, क्योंकि इसके बाद आता है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को यूज़ किए बगैर
मैं इनिशियल इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा बताता हूँ। फाइनली तो समझ में आ रहा होगा भाई सबको, फाइनली पूरी की पूरी रॉड जो है वो एल बाय सिक्स हाइट पे है, ठीक है। तो फाइनली तो सिंपली एम जी इंटू एल बाय सिक्स हो जाएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना कोई खास बात नहीं है। इनिशियली अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका है। ये अपना इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है रॉड का, ठीक है। अब मैं इसको दो पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, एक तो इतना पार्ट और एक तो इतना पार्ट। अब सोचो यार, मैं रेफरेंस लेवल को बीचों बीच रखा हूँ तो इतनी पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इतने पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। अब चूंकि वो दोनों पार्ट इक्वल है तो भाई जितनी पॉजिटिव उतनी ही नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि रेफरेंस लेवल कहाँ पर है, बीचों बीच। तो जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव, तो यानी कि इतने पूरे पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है भाई। और इतने पार्ट का तो आपको पता ही है कि ये रेफरेंस लेवल से एल बाय सिक्स हाइट पे है, एल बाय सिक्स हाइट पे है, इसका मास कितना है, 2m/3 है। तो इतने पार्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी 2m/3 इंटू जी इंटू एच विच इज़ एल बाय सिक्स, ठीक है ना भाई। तो सेंटर ऑफ मास वाली बात एक्चुअल में मेरे को बोलनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी पढ़ते समय जनरली सेंटर ऑफ मास का कोई आइडिया नहीं होता, अगर आप फ्रेशर हैं या आप 11th क्लास में हैं तो। और अगर आप थर्ड मतलब ड्रॉप लिए हुए हैं या थोड़ा बहुत पहले से आता है आपको सेंटर ऑफ मास, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना भाई। पर अगर सेंटर ऑफ मास नहीं भी आता तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्यों इतने पार्ट की जीरो है, ये मैं आपको समझा दिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस, अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 के साथ। सो बाय।